रिफ्यूज तो का अलग होता है यार, रिफ्यूज मतलब कि कभी तुम्हें मतलब एंट्री ना मिली हो। So what's up guys, welcome back to our channel. तो शनिवार का दिन है आज एंड हम ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा। अब कनाडा जो है वो हम मेनली तीन रीजंस की वजह से जा रहे हैं। अब ये तीन रीजंस क्या होने वाले हैं ये आपको नीचे गाड़ी में बैठ के बताते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम अपना सामान लेकर के नीचे चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं। चलो बाकी जी, हम कनाडा जो है वो सिर्फ एक रात के लिए जा रहे हैं तो इसलिए सामान कुछ ज़्यादा पैक करना नहीं था। इसमें भी आधा बैग तो खाली पड़ा है। वेदर को तो हमने यहाँ पे भाई कोसना एकदम ही छोड़ दिया है क्योंकि पता है कि 2 दिन यहाँ पे धूप निकलेगी और 4 दिन यहाँ पे बारिश होगी। तो आज सुबह से बारिश होने लग रही है एंड इनफैक्ट कनाडा में भी जहाँ हम जा रहे हैं जो कि वैंकूवर सिटी है वहाँ पे भी सेम वेदर रहने वाला है, तो वहाँ पे भी बारिश ही होने वाली है। फिलहाल तानिया भी गई है ऊपर से अपना कुछ सामान लेने के लिए क्योंकि वो भूल गई थी, तो तब तक अपन जाके ये सारा सामान जो है गाड़ी में रख लेते हैं। तुम चलाओगे? चलो ठीक है, इस बार ही गाड़ी चलाने का जिम्मा तान्या ले रही है। देखते हैं पहुंचा पाती है नहीं पहुंचा पाती है। हमें कॉन्फिडेंट लग रहे हो, पहुंचा पाओगे हमें कनाडा? और मुझे भी ज्यादा कुछ टेंशन होगी नहीं इस बारी क्योंकि अगर आपने हमारे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे ना तो हमें 1 महीने के लिए FSD जिसको फुल सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी भी बोलते हैं टेस्ला में, तो वो मिला हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई करने के लिए। है जी, उन तीन रीजंस में से ये एक पहला रीजन है जिसकी वजह से हमने एक लंबी ट्रिप प्लान करी है उसको टेस्ट करने के लिए और उसका लुफ्त उठाने के लिए। चलो फिर तो सबसे पहले तो तान्या ने अपनी प्रोफाइल बना रखी ना अलग, तो अगर मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो डायरेक्टली ये इनेबल्ड मिलेगा, पर तूने अपनी अलग प्रोफाइल बना रखी, तेरे पे इनेबल्ड नहीं है, तो पहले तेरे पे ये इनेबल्ड कर देते हैं। यस यस, तो अब फुल सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी तेरी में भी, तेरी प्रोफाइल में भी ऐड हो गई है। चलो नेक्स्ट अब डालते हैं लोकेशन। ठीक है जी, तो ये बता रहे एक तो हमें चार्जिंग के लिए रुकना पड़ेगा 2:15 करीब बर्लिंगटन में एंड देन उसके बाद 4 बजे करीब हम पहुंचेंगे होटल श्री गणेश। गणेश जी पहली बार मैं इतना लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूं। पहुंच चुके भाई पहले चेक पॉइंट पे अपने, तो इस सिटी का नाम है बर्लिंगटन एंड यहाँ पे पीछे हमने गाड़ी चार्ज पे भी लगा दिया है एंड बारिश भी होना शुरू हो गई है। हाँ बारिश तो हो ही रही है यार, तो आधे 1.5 घंटे का हमारा हमने भी रास्ता अपना कवर कर लिया है एंड 1.5 घंटे का रास्ता हमारा और बचा है। फिलहाल कैसा है तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा अभी तक गाड़ी चलाने का USA में? इतने लंबे टाइम तक तुमने पहली बार ही भाई इतने लंबे टाइम तक इसने हाईवे पे गाड़ी चलाई और वो भी ऐसे वेदर में? हाँ इतने लंबे टाइम के लिए तो नहीं बट हाँ ऑलमोस्ट 30-45 मिनट्स मैंने इंडिया में भी चलाई है बट इंडिया में तो बहुत ही अलग होता है और यहाँ पर तो बहुत ही अलग है। यहाँ पे अलग है हाँ, एक तो यहाँ पर स्पीड बहुत तेज है, दूसरा यहाँ पर सीधा सीधा तुम चलाते रहो तुम्हें ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इंडिया बीच में नहीं है तो बीच में ये बोर भी हो गई थी कि अरे यार सीधा सीधा ही चलाना पड़ रहा है। फिलहाल हम फिर बीच में थ्रिल आता है, स्पीड तेज हो गई भाई 70 miles per hour एंड हम FSD भी एक्टिवेट कर सकते थे, मतलब ऑटो पायलट भी इनेबल कर सकते थे बट देन वो किया नहीं जानबूझ के ताकि इसको थोड़ी सी गाड़ी चलाने को तो मिले क्योंकि ऑटो पायलट पे तो वो खुद ही चलाता रहेगा गाड़ी और फिर इसकी प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। तो वो मैं भी सोच रही थी कि बीच में एक बार इनेबल करके ट्राई करते हैं कि उस पर कैसी चलती है बट मैंने सोचा कि नहीं यार बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी गाड़ी को चार्ज होने में वो तो दिखा रहा था कि 15 मिनट लगेंगे भाई, मतलब इतनी वो चार्ज कर देगा जितने में हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे बट देन वहाँ पहुंच के भी ना कुछ 18 या 19% बैटरी बचेगी जो कि हम चाहते नहीं कि ऐसा हो, तो इसलिए ना हम थोड़ी बहुत
मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही चार्ज करवा के चलेंगे यहाँ से। फिलहाल अभी यार स्टारबक्स वगैरह दिख गया था तो वहाँ से कॉफी वगैरह लेते हैं क्योंकि भूख भी स्टार्ट हो गई है। 2 बज गए हम घर से ना सिर्फ ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे। चलो ढूंढते हैं स्टारबक्स, मुझे कहीं दिख नहीं था, लिखा तो था, वही ना देखना पड़ेगा। फिलहाल थोड़ा सा फ्रेश भी होने का है मेरे को। बहुत देर हो गई ना। हाँ उस साइड है शायद स्टारबक्स, हमें ना रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। हाँ देखते हैं चल। तो भाई देखो अभी ना हम यहाँ पे कहीं हैं एंड स्टारबक्स और सबवे वगैरह ना वो थोड़ा सा दूर है, मतलब 8 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी हमें। तो फिर हम यही सोच रहे हैं कि गाड़ी चार्ज करवा लेते हैं पहले, जितनी हमें चार्ज करवानी है देन गाड़ी को ही लेके वहाँ पे चलेंगे और इसमें बैठ के फिर सबवे वगैरह भी खा लेंगे एंड कॉफी वगैरह भी ले लेंगे, है ना। क्योंकि बाहर थोड़ी सी ठंडी भी है भाई, हवा चल रही है। अच्छा डिसीजन लिया हमने मोटी मोटी जैकेट लाने का, है ना। मैंने कहा था ना ठंडी तो होगी। हाँ हम ये सोच रहे थे कि लेके जाएं नहीं लेके जाएं क्योंकि टेम्परेचर अभी थोड़ा सा ना नॉर्मल सा हो गया है, मतलब गर्मी आनी स्टार्ट हो गई है। बट हवा ठंडी चल रही है ना तो उससे ज्यादा ठंड लग रही है। कैसे थोड़ा सा और ऊपर की साइड पड़ जाता है सियाटल से, तो इस वजह से भी थोड़ी सी ज्यादा ठंड है। राइट, फिलहाल अभी हमारी गाड़ी इतनी चार्ज हो चुकी है कि ना हम ट्रिप को कंटिन्यू कर पाए। तो अगर मैं इसको इतने ही पे ही अभी लेके चल लेता हूँ यहाँ से, तो देख रहे हो होटल जब पहुंचेंगे ना तो सिर्फ 16% बैटरी बचेगी, जो कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे आसपास से चार्जर्स मिले या नहीं मिले, और अगर चार्जर्स भी होंगे तो वो कॉस्टली होंगे या फिर कैसे होंगे नहीं पता। तो इसीलिए ना थोड़ा सा मैं और ज्यादा चार्ज करवा लेता हूँ। तो ये वैसे तो दिखा रहा है कि 40 मिनट लगेंगे 90% तक चार्ज करने में, तो मैं 90 तो नहीं कराऊंगा, 60 या फिर 70 करा के अपन यहाँ से फिर निकल लेंगे, है जी। हाँ। तो यार स्टारबक्स और सबवे तो हम नहीं गए क्योंकि 8 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा था, देन 8 मिनट जाने में लगते, 8 मिनट आने में लगते, तो आने जाने में सारा टाइम चला जाता और इतने में हमारी गाड़ी चार्ज हो जाती। तो इसलिए ना चार्जिंग स्टेशन के पास में ही ये बॉब्स करके रेस्टोरेंट था, यहाँ पे मिलते हैं आपको बर्गर्स वगैरह, तो वो हमने देख लिया था। देन वीगन का भी ऑप्शन था यहाँ पे, तो वो हमने ऑर्डर कर दिया है एंड टेकआउट वाला ऑर्डर करा है, मतलब उठाते हुए यहाँ से चलेंगे और गाड़ी में बैठ के खाएंगे। बट जितने में ऑर्डर आता है उतने में गाड़ी ही चार्ज हो गई है, तो अभी मैं गाड़ी निकाल के पार्किंग में लगाता हूँ। तानिया अंदर वेट कर रही है, खाना लेते हैं फिर निकलते हैं भाई। और ठंडी भी चल रही है भाई, तो अच्छी चीज थी कि हमने ठंडी हो रही है। कल रात को ना मेरी नींद भी अच्छे से नहीं हुई थी, तो आज जब तानिया गाड़ी चला रही थी मुझे ऐसी गंदी वाली नींद आ रही थी ना, मैं चलाऊं क्या, सोओगे तुम? नहीं नहीं अब ठीक है, बट अब आ रही थी बड़ी गंदी वाली नींद आ रही थी और मैं कंट्रोल, हाँ बीच में ना एक दो ऐसे झपकी भी आ रही थी ऐसे आ रही थी, बट मैं कंट्रोल कर रहा था कि नहीं यार नहीं सोना क्योंकि फिर ये अकेली हो जाएगी, अकेली गाड़ी चलाएगी तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं सो नहीं रहा था जी। चलो जी खाना तो ले लिया है यार एंड कॉफी उठाते हैं और फिर निकलते हैं। और बताया आलस के चक्कर में सुबह से हम ना इतना आलस भरे में थे, धीरे धीरे काम करे जा रहे थे कि ये सोच के कि यार पहुंच ही जाएंगे क्योंकि पास में है, बट ये करते करते ना हम काफी लेट हो गया, तो 5:10 का टाइम हो गया ये, और पहले ना 4 बजे कुछ दिखा रहा था, नहीं नहीं हाँ 3:30 या 4 बजे का कुछ टाइम दिखा रहा था और अभी 5:10 हो गया है। प्लस हमें रास्ते में बारिश की वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा मिला है 2-3 जगह, प्लस तुम भी तो चला रहे थे तो तुम थोड़ा सा धीरे चला रहे थे ना, इस वजह से भी थोड़ा सा हो गया, पर ट्रैफिक भी तो था। हाँ ट्रैफिक भी था। अभी देखते हैं इमिग्रेशन में कितना टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे भी 10-15 मिनट तो जाएंगे हमारे। तो भाई अब हमारा ड्राइवर चेंज हो चुका है, वीर आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे, स्टारबक्स की कॉफी को हमने टीच कर दिया यही सोच के कि लेट हो रहे हैं तो कनाडा जाके देख लेंगे वहाँ पे कुछ पी पा लेंगे। और अब क्योंकि तुम्हारा भाई ड्राइविंग सीट पे आ चुका है तो ऑटो पायलट पे गाड़ी लगा दी जाएगी और आराम से बैठ के बर्गर शर्गर खाया जाएगा। देख रहे हो मतलब बर्गर है, बर्गर के साथ आपको साइड्स भी मिलती है, साइड्स मतलब जैसे फ्रेंच फ्राइज वगैरह सैलेड्स वगैरह ऐसा कुछ, तो मैंने सैलेड ले ली थी तो सही है ना, तुम खा लो आराम से और अब हम पहुंच जाएंगे टाइम से। चलो बर्गर का साइज देख रहे हो भाई कितना बड़ा बर्गर है ये, ओ भाई ये क्या भर के दिया तेरे को। अच्छा तेरा वो कुछ था ना वीगन, वीगन बर्गर था तो तेरा वीगन ऑप्शन दिया इन्होंने, पत्ते खाऊंगी मैं। मेरा तो मस्त है भाई, मजा आ गया देख के। हाँ जी मैडम कैसा लगा फिर बर्गर?
गाइस को ना लेट्टूस, मतलब वो बर्गर के बंस होते हैं ना वो नहीं थे, लेट्टूस रैप में लपेट के इसका बर्गर बनाया हुआ था, अंदर पैटी डाली हुई थी। क्या सोच के ये सब बनाते हैं लोग, इंसान खाएगा कैसे उसको, मेरे को यही समझ में आ रहा। वीगन ऑप्शन था ना, एक ही वीगन ऑप्शन था पूरे मेन्यू में, वैसे हमने अलग से पूछा नहीं, हमने जल्दी में कुछ ज्यादा पूछा भी नहीं था। मतलब पैसे लिए हैं भाई इन्होंने $40 के, हमें दोनों बर्गर कुछ पड़े थे, मगर उसी के हिसाब से इन्होंने क्वांटिटी भी दी है ना। मतलब फ्रेंच फ्राइज देख लो कितनी सारी, तो फ्रेंच फ्राइज दी है, देन ये पूरी सैलेड दिया भर के और बर्गर भी इतने बड़े बड़े से थे भाई, उसी भी एक बर्गर में पूरा पेट भर गया। तो बस भाई अब हम इमिग्रेशन पे पहुंचने वाले हैं, यानी कि यूएस और कनाडा बॉर्डर के पास पहुंचने वाले हैं बस, है ना। वो आ गया पीस आर्क पार्क, पीस आर्क पार्क ना। फाइनली इमिग्रेशन के पास तो पहुंच गया, बट जिसका डर था मुझे लग रहा है वही हो रहा है कि भीड़ थोड़ी ज्यादा है। तो देख रहे हो ना वहां पे कहीं जाके इमिग्रेशन होता है आपका, एंड यहीं से अभी तो भीड़ लगना स्टार्ट हो गई है, थोड़ा तो चलिए गाड़ी, बट आई थिंक कि मूविंग है ना तो शायद जल्दी हो जाए, देखते हैं। और अभी 4 बज चुका है, देखते हैं कितनी देर में इमिग्रेशन होता है। पिछली बार जब आए थे तो हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था इमिग्रेशन, और गड़बड़ भी हुई थी, इतनी देर तक पिटा के रखा था। आज शनिवार भी है ना, तो छुट्टी का दिन है और हम आए भी पीक टाइम पे है, तो इसलिए थोड़ी सी ज्यादा भीड़ है। और इस बार ही देखते हैं हमें कि साइड में बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जब हम पिछली बार आए थे ना तो इन्होंने हमें साइड में बुला लिया था कि आप पहले आओ, आपकी अच्छे से छानबीन की जाएगी, पूछ क्या कहते हैं जांच पड़ताल की जाएगी, तभी आपको अंदर कनाडा में एंट्री दी जाएगी। तो आज देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है या नहीं, होपफुली ऐसा ना हो और हमारा जल्दी जल्दी इमिग्रेशन हो जाए। हाँ, पिछली बार मैंने ये गलती कर दी थी, मतलब मैंने नहीं गलती कर दी थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो चुकी है। हाँ। तो इस बार ही होना नहीं चाहिए कुछ पंगा, अगर इस बार कुछ पंगा हुआ तो भाई फिर मतलब कुछ नहीं कर सकते फिर तो हमारी पंगा हो गई है, बस आगे दो गाड़ियां और बची है। तो तुम्हारे दुख दुख हो रही है, नहीं हो रही क्या? दुख दुख तो हो गया, क्या हो गया? नॉर्मल हो चुका है, तो आम बात है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। ओहो हो, प्रो हो चुके हो तुम अब है। किसी को बॉर्डर क्रॉस करना हो मुझसे कांटेक्ट करें। अच्छा ठीक है, तो नंबर दे देना अपना फिर, ठीक है। चलो भाई एक और गाड़ी निकल गई है, हम थोड़ा और नजदीक पहुंच गए हैं। हो गया है इमिग्रेशन, पर ये देख रहे हो तुम हर बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू एवर हैव बीन रिजेक्टेड? अब रिफ्यूज, नहीं नहीं, इस बार इसने रिफ्यूज पूछा। अब रिफ्यूज तो अलग होता है यार, रिफ्यूज मतलब कि कभी तुम्हें मतलब एंट्री ना मिली हो, ना मिले, बट ऐसा हुआ ही नहीं, हमें हमेशा एंट्री मिलती है, बट मैं अब इसका यस ही बोलने लग गया हूं कि हां हुआ है एक बार हमारे साथ। एग्जैक्टली, एक बार से हमने ना सबक ले लिया कि भाई ये तो हमें कंफर्म बताना ही है, अभी नो बोलते हैं उसको, तो उसकी आईब्रोज ऐसे हो गई थी। हाँ, नो फिर तो साइड में फिर बुला लेता, फिर बुला लेता, आओ साइड आओ, साइड में आओ, पहले तो हमारे साथ, पहले हमारे साथ बात बातें ही करो, करो फिर, हाँ, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। एंड बाय द वे हम लोग पहुंच चुके हैं कनाडा, ये आ गया बोट ब्रिटिश कोलंबिया। कनाडा पहुंचते सबसे पहले चीज जो की जाती है वो है कि माइल्स पर आवर से हम इसको चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, करेक्ट। तो डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाके मैडम नीचे जाओगे अगर आप, तो यहाँ पे किलोमीटर्स हो गया, तो अब यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर आ गया है। सब भाई कुछ तो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, शायद वही इज़राइल वाला प्रोटेस्ट चल रहा है जो यूएसए में भी चल रहा है। कितना बड़ा है यार, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। हाँ जी मैडम, फाइनली भाई पहुंच गए अपनी होटल की लोकेशन पे, तो यही है होटल जिसमें हमने अपनी बुकिंग कराई है। एंड गाड़ी तो अभी यहाँ पे कोई गली सी थी अंदर, यहाँ पे खड़ी कर दी है, बट पूछना पड़ेगा होटल वालों से कि पार्किंग इनकी डेडिकेटेड कहाँ पे है। तो सामान निकाल ले, सामान वो ले लो, बड़े वाला बैग ले लेते हैं, बाकी सब इसी में रहने दो अभी। तो होटल का नाम है भाई होटल ले सोले। चेक इन हो गया, एंड इस होटल में क्या डेडिकेटिंग पार्किंग नहीं है, आपको वैले पार्किंग ही मिलती है। बट अच्छी चीज़ ये थी कि हमने जो रिजर्वेशन कराई थी ना उसमें वैले पार्किंग इंक्लूडेड था, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो वैले पार्किंग भी करा दी, वो अपने आप बंदा पार्क कर देगा। फिलहाल चलते हैं रूम पे।
रॉयल फीलिंग दे रहा है एकदम, रॉयल फीलिंग दे रहा है एकदम। तो हाँ जी, तो ये कुछ स्टे है भाई हमारा एक रात के लिए। क्या कमाल का रूम है ना, हाँ। तो यहाँ पे पूरा सीटिंग एरिया इन्होंने बना रखा है अलग से, एंड देन अंदर आप जाओगे तो शायद बेडरूम है। हाँ ये बेडरूम है, हालांकि काफी छोटा बेडरूम लग रहा है मेरे को, मतलब बेड तो काफी छोटा है यार, एक मतलब दो बंदों के लिए तो मेरे को लग नहीं रहा इनफ है। और यह है यहाँ से बाहर का व्यू जो कि कुछ भी नहीं दिख रहा, हाँ वहां दिख रहा है। एंड ये होगा इनका वॉशरूम छोटा सा, और ये कबर दे रखी है विच इज फाइन, सही है। कितने का पड़ा है हमें? $200 का ना, USD। महंगा है पर ठीक है, उसके हिसाब से थोड़ा सा रॉयल फीलिंग आ रही है तो अच्छा लग रहा है। फिलहाल हमें यहाँ पे पहुंचते हुए काफी लेट हो गया भाई, कितना 6 बज गया हमें पहुंचते हुए। हम पहले सोचते थे कि 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा सो भी लूंगा क्योंकि मेरे को ना काफी नींद आ रही है, रात को ढंग से सोया नहीं था। एंड इस चक्कर में व्लॉग भी मैं ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना मेरे को फंबल हो रहा है, एक एक शॉट को एक एक चीज को मैं 10 बार ही बोल रहा हूँ, जब जाके वो सही निकल रही है मेरे मुंह से। तो व्लॉग्स भी मेरे को नहीं पता कैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, पर ठीक है कोई नहीं, मैं तैयार हो जाती हूँ जाने के लिए। और सबसे ज्यादा टाइम पता है कनाडा में आके लगा है, मतलब यहाँ का इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम है यार, ऊपर से यहाँ के रोड्स बहुत गंदे, रोड्स गंदे ऊपर से रेड लाइट्स इतनी है भाई, ये मान लो 1 किलोमीटर लंबी रोड पे ना 10 रेड लाइट्स इन्होंने डाल रखी है, मतलब ऐसा कछुए के तरह इनका ट्रैफिक चल रहा था धीरे 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 धीरे। चलो कोई नहीं भाई, तैयार होते हैं एंड फिर बताते हैं आपको हमारा सेकंड रीजन कनाडा आने का। हां जी हाँ जी, तो जी मैडम तो तैयार हो गई हैं और मैं तो तैयार हुआ नहीं, मैंने तो सेम ही कपड़े पहन लिए, वैसे तो मैं रखे रहा था अपने लिए कपड़े, बट मन नहीं कर रहा है मेरा तैयार होने का। वैसे भी बाहर आपने देख लिया बारिश हो रही है, तो मूड थोड़ा सा उससे वैसे ही ऑफ हो रखा है फिलहाल। अब सेकंड रीजन जो है वो ये है कि दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट है यहाँ पे वैंकूवर नाम की सिटी में, तो बीसी प्लेस स्टेडियम है जो कि यहाँ से करीबन मान लो 10 या 15 मिनट की दूरी पर है, तो वहां पे ये कॉन्सर्ट होने वाला है। नाउ पहले तो हम सोच रहे थे कि पैदल चल के चले जाएंगे, क्योंकि गाड़ी लेके जाएंगे तो बाकी वहां पे फिर पार्किंग वगैरह का झमेला होगा, तो उससे बचने के लिए हमने सोचा था कि पैदल चल लेंगे। बट अब टाइम देखोगे ना कितना हुआ है, टाइम हो चुका है भाई 6:40 और 6:30 बजे कॉन्सर्ट स्टार्ट होना था, तो हम काफी मतलब 10 मिनट लेट हो चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि वहां पे हम पहुंचेंगे ना तो बाहर भीड़ मिलेगी, लाइन मिलेगी और लाइन में हमें लगना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि हम पैदल चले, हम ऊबर करेंगे। अब तो उबर का मैंने प्राइस देखा है वो है $15 कैनेडियन, तो US का मान लो कुछ $9 या $10 पड़ेगा, विच इज ऑल्सो चीप। ठीक है हाँ, ठीक है ना, ठीक है चलो चलो, तो चलते हैं नीचे और नीचे जाके उबर बुक कराते हैं एंड देन फिर चलते हैं भाई कॉन्सर्ट में। ये उबर बुक हो चुकी है दोस्तों, तो 5 मिनट में आ रहा है बंदा एंड पैसे लगे हैं सिर्फ हमारे $13, तो USD में मान ले $8, विच इज ऑल्सो चीप। हाँ पार्किंग में जा कर दिया, $10 होंगे 13 का, नहीं $8, हाँ USD के हिसाब से $8, तो पार्किंग मेरे को लगता है इससे ज्यादा महंगी ही पड़ती है हमें अगर जाते तो, है ना। वैसे तो बारिश हो रही है तो हम वॉक करके नहीं जा पाते, पूरे दिन बारिश रही है भाई आज पूरे दिन, है ना। तो ये आ गई भाई हमारी उबर विच इज टेस्ला Model 3। हेलो चलो जी, तो यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके जा रहे हैं क्योंकि ना गाड़ी में बहुत टाइम लग रहा था भाई, बहुत ट्रैफिक है आगे पहुँच स्टेडियम तक जाने के लिए, और 7:09 हो गए हैं, 7:10 दिखा रहा था वो गाड़ी से अगर पहुँचेंगे तो। ऐसे तो बाई वॉक भी हमें इतना ही टाइम लगेगा, बट ठीक है यार तो जल्दी भाग भी लेंगे। एंड हमारा जो ड्राइवर था ना उबर का वो अंग्रेज था, तो वो पूछ रहा था यार यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा है क्या आसपास। मैंने कहा हाँ भाई दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट है, तो कह रहा तभी मुझे जितनी भी राइड्स जो मिल रही है ना वो वही बीसी स्टेडियम तक की मिल रही है। मुझे लग रहा है ये सारा जो ट्रैफिक देख रहे हो ना भाई, ये सब मेरे को लग रहा है उसी वजह से भी हो सकता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। वैसे तो सैटरडे भी है तो इसकी वजह से भी हो सकता है, बट आई डोंट नो। कॉलेज के बाद मैं ये पहला कॉन्सर्ट अटेंड कर रहा हूँ, हाँ कॉलेज में भी मैंने 1 या 2 ही किए होंगे इतने बड़े बड़े, और कॉलेज के बाद अब ये पहला होने वाला है, तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। तुम बताओ? मैंने एक अटेंड किया था। हाँ। पहले रुक जो रोड क्रॉस कर लेते हैं। हाँ हाँ, और भाई ये जितने भी आप आगे लोग देख रहे हो ना, तो ये शायद सभी के सभी उसी कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं, तो अकेले हम ही ऐसे बंदे नहीं है जो काफी लेट है। तान्या मैं कह रहा हूँ खाली हम ही ऐसे लोग नहीं है जो इतना लेट है, और भी काफी लोग हैं। बट यार वैसे मैं जिस जैसे गई हूं, हाँ, तो जो मेन वाले गाने होते हैं ना, हाँ, वाले होते, हाँ, वो बिल्कुल लास्ट में गाते हैं वो लोग। मेन वाले गाने तो चलो लास्ट में गाते होंगे, बट मुझे एंट्री देखनी थी, एंट्री ना मिस हो जाए। हाँ,
हाँ वैसे तो वो लगाते हैं, वो तो करेक्ट है। पहुंच तो गए शायद ऊपर जाके कहीं है स्टेडियम वहाँ पे, मुझे वो भी लग रहा है वो। चलो देखते हैं भाई साहब, भीड़ देखो भाई। ओ भाई ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है यहाँ पे। तनु जा, तो यहाँ पे ना अलग अलग गेट्स बना रखे हैं, तो डी है, उधर जाके सी है एंड उधर जाके कहीं ई है। तो हमने जिस सेक्शन में अपनी बुकिंग कराई है जो कि है 237 सेक्शन, और उसमें ना सेक्शन के अंदर भी रोज होते हैं, देन रोज के अंदर आपकी सीट्स होती हैं। तो जिस सेक्शन में हमने बुक कराया विच इज 237, तो उसकी हमने फिर पूछा जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स है ना उनसे पूछा, हाँ, कि भैया कौन से गेट से एंट्री करें। तो उन्होंने बोला कि डी और ई से हम एंट्री कर सकते हैं, बट डी पे बहुत लंबी चौड़ी लाइन है। हाँ। पे आसपास के पास में भी और भी गेट्स हैं, और भी गेट्स होंगे, बट प्लस वो क्या है कि शायद एक्सेसिबल है, मतलब यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा रखी है, मुझे नहीं पता आगे गेट पे सीढ़ियाँ है या नहीं है, तो इस वजह से शायद डी पे ज्यादा भीड़ है। तो उसने कहा है कि तुम ई पे चले जाओ, ई पे शायद तुम्हें कम भीड़ मिले। यही लाइन है मेरे को लग रहा है, वही लाइन है। हाँ वो दो लाइन है, पूछ लो किस पे लग जाते हैं। वैसे तो सारे देसी दिख रहे हैं भाई। तो जी ये पूरा स्टेडियम, और स्टेडियम में हमारा ये वाला सेक्शन 237। आई नो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो स्टेज के बिल्कुल कोने में है, तो हमें भी ऐसा ही लग रहा था, बट जब हमने इसके रिव्यूज पढ़े ना, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आप सेक्शन के रिव्यूज भी पढ़ सकते हो, रेटिंग्स देख, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर सीट्स में क्लियर व्यू, तो ऐसे उसमें ना हाँ, तो ऐसे ही उसमें रेटिंग लिखी हुई थी 237 की, विच इज 10 out of 10। तो ऐसा लिखा हुआ था कि यहाँ से आपको बड़ा ही अच्छा व्यू मिलेगा, तो इसलिए हमने वो बुक करा लिया 237। क्योंकि उसके अलावा भाई और भी जितनी भी टिकट देखोगे ना, ये सब बहुत महंगी थी भाई, हजार डॉलर की मिल रही थी। अभी शायद सस्ती होगी होंगी, बट उस टाइम पे बहुत महंगी थी। और प्लस वो उसके साथ में जैसे और भी सेक्शन थे ना 237 के साथ, हाँ, कुछ कुछ सेक्शन ऐसे थे उसमें लिखा हुआ था नो व्यू। हाँ वो सस्ती थी टिकट थोड़ी सी, वो वाली सबसे सस्ती थी। हाँ। फिलहाल भाई सब लाइन में खड़े होकर धीरे धीरे चल रहे हैं, एंड बारिश ने मत्था खराब करके रखा हुआ भाई, मतलब ठंडी भी लग रही है, बारिश भी हो रही है, मेरे को लग रही है थोड़ी बहुत ठंडी लग रही है। पहुंच चुके हैं एटलीस्ट गेट के पास, अब हमें नंबर तो दिखाई दे रहा है गेट का है, बस अंदर घुसने ही वाले हैं। थैंक यू। चलो जी एंट्री हो गई है, आओ अंदर चलते हैं मैडम। ये स्टार्ट हुआ भी है नहीं हुआ, इतने लोग तो बाहर है, अंदर कितने लोग होंगे? लेट शुरू होता है, ये अभी सीटी की हो रही है, अभी बैठ ही रहे लोग। हाँ जी, और एक्सप्रेस एंट्री होगी क्योंकि हम बैग नहीं लेकर आए हैं। देखा मेरा डिसीजन, मैंने बोला था ना नहीं लेके चलते हैं बैग, तो मैंने पूछा भी था कि मेरे को पूछ लो, मैं हाँ। लेके आ रही हूँ, देख लो लेके जा सकते हैं। चलो चलो कोई नहीं, अंदर चलते हैं। इतनी भीड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी हम मंदिर में एंट्री ले रहे हैं। थैंक यू भाई साहब, चारों तरफ मुझे लोग ही लोग दिख रहे हैं। अबे यार मेरे को माइक लाना चाहिए था यार, मैं माइक नहीं लेके आया तो वॉइस पता नहीं कैसी आ रही होगी अभी। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि फोन के पास आकर के बोले ताकि वॉइस थोड़ी सी क्लियर आए। राइट, बाय द वे वो रहा 238 और वो 237, तो वहाँ पे जाना है हमें। चलो मैं कह रहा हूँ बाहर ही मस्त इन्होंने खाने पीने का भी बना रखा है ना, पहली बार देख रहा हूँ यार अंदर से कॉन्सर्ट, मतलब स्टेडियम। मैंने भी अंदर से नहीं देखा, मैं डायरेक्टली सीट पे जाके बैठ गई थी। ओ भाई हाँ ये अच्छी चीज है, कवर कर रखा है। हाँ यार क्लियर व्यू तो ऐसे तैसे नहीं, वो चीज दिखेगी वहाँ पे, अगर कोई वहाँ पे अगर गाएगा ना तो दिखेगा हमें, बट हाँ अंदर रह के गाएगा तो नहीं दिखेगा। बाय द वे वो नीचे फ्लोर लेवल वाली है सीट्स, तो वो काफी महंगी थी भाई। ये तुम्हारी, ये मेरी। लो जी भाई, तो जी ये हमारी सीट, एंड यहाँ से यार स्टेज इतना तो नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला पार्ट दिख रहा है, बट हाँ अगर अंदर बैठ के कोई गाना गा रहा होगा ना तो वो नहीं हमें दिख पाएगा। और इसका उन्होंने टिकट में डाल रखा था क्लियर व्यू, देखना जरा, मतलब देखो सही वाली सीट्स तो फिर वही लग रही है जो सामने है, है ना। कोई नहीं देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ चल अपना कटा तो कटा, मैं वो कह रहा हूँ वो उधर भी लोग बैठे हैं यार एकदम कोने में, उनको क्या ही दिखेगा यार, उनको सिर्फ वही स्क्रीन पे दिखेगा, सामने ना सामने जो दिख रही है ना ये स्क्रीन है तो इस पे दिखेगा। हमें भी यही दिखेगा।
हाँ कोई नहीं भाई, आज ना आईफोन के 5X जूम का 5X जूम का टेस्ट हो जाएगा कि क्लियर वो इमेज ले पाता है। कितनी क्लियर वीडियो आती है। राइट। बट वैसे वो यहाँ पे अंदर तो रहते नहीं है, वो हाँ स्टेज के वहीं पर ही रहते हैं, आगे रहकर वही ना वही आगे रह के गाते हैं। तो ये शो तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, तो बाहर आ गए थे हम देखने के कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे भूख तो नहीं थी, पानी की बोतल ले ली है। एंड द वियर्ड पार्ट इज कि ये पानी की बोतल जो दे रहे हैं ना, तो ऊपर ढक्कन निकाल के दे रहे हैं, मतलब ढक्कन निकाल के अपने पास रख लेंगे और ऐसे और फिर आपको ऐसी बोतल पकड़ा देंगे। तो पहले मैं दो बोतल ले रहा था, फिर मैंने एक ही बोतल ली। मैंने कहा भाई तुम फिर ऐसा कर रहे हो तो एक ही दो, पता नहीं, चलो देखते हैं। आओ भाई, हम रो रहे थे कि 6:30 बजे का शो है और हम इतना लेट हो गए हैं, ये हो गया है तो शो स्टार्ट हो चुका होगा। 8 बज चुके हैं भाई और कोई नामो निशान नहीं है, शो स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट तो कब होगा और खत्म तो कब होगा। और अभी तक ना लोग आए जा रहे, ऐसा भी नहीं कि सारे लोग आ चुके हों, अभी भी लोग आ रहे हैं भाई। शोर देख रहे हो भाई, शोर सब पे टॉर्च चला दिए। फाइनली भाई पहुंच गया वापस होटल के रूम पे, एंड वापस आते आते भी ना हमारे साथ एक एडवेंचर हो गया। तो जैसे हम स्टेडियम से बाहर निकले, उबर बुक कराने लगा मैं, तो एक तो उबर बुक ही नहीं हुई। तो उसके बाद हम सोचे चलो पैदल चल लेते हैं, 20 मिनट का तो रास्ता है। तो पैदल चलने के लिए मैप लगाया, जैसे ही मैप लगाया तो रियलाइज हुआ कि मेरे फोन में सिर्फ 4% बैटरी रह गई है। तो हम आधा रास्ता भी कवर, और मेरे फोन में नेट चल नहीं रहा है। हाँ, तो हमने आधा रास्ता भी नहीं कवर किया हुआ कि मेरा फोन हो गया बंद और तान्या के फोन में नेट नहीं चल रहा भाई। तो मेरी ऐसे दुख होने लग गई, क्योंकि भाई हम शहर का कुछ ना आता ना पता ना हमारा कोई दोस्त जिसको हम बुला सके। फॉर्चुनेटली मेरे फोन में ना मतलब ऐसा था कि मैप, मतलब इसके फोन में मैप नहीं चल रहा, इसके फोन में डायरेक्शन ही दिखा रहा था, बट इसके फोन में ना मैप डाउन, 2D मैप नहीं, तो तेरे फोन में मैप जो है ना वो डायरेक्शन लोड नहीं कर पा रहा था, बट वो डेस्टिनेशन दिखा पा रहा था कि है कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं। तो GPS ट्रैक कर रहा था वो, मतलब वो GPS ट्रैक करता ना, तो उसकी हेल्प से हम फिर पहुंच ही गए रास्ते पे, देखते हुए कि अच्छा हम लेफ्ट मुड़ना है राइट मुड़ना है कैसे कैसे मुड़ना है, बट वो डायरेक्शन ही दिखा पा रहा था कि कौन सी रोड लेनी है आपको, नहीं तो फिर आज हमें भी यहाँ पे बेघरों की तरह बाहर सोना पड़ता। और बाय द वे कैसा लगा फिर तुम्हें कॉन्सर्ट भाई, क्या मजा आया है ना कॉन्सर्ट में, और लोग तो मतलब क्या पागल हो रखे थे, कितना चिल्ला रहे थे भाई, मतलब जैसे भी पहले तो जब तक वो आया नहीं था ना, तो जैसे भी कोई भी लाइट बुझ रही थी या जल रही थी ना, लोग एकदम पागल, लोगों को लगा आ गया भाई, दिलजीत आ गया, लोग एकदम पागल हो गए। फिर वो कैसा लगा, सही था बट हमारी सीट थोड़ी सी और अच्छी हो सकती यार, ये भी अच्छी थी, मतलब इसका हमने काफी सही प्राइस पे करा है, मतलब $175 हमने दोनों के पे करे इस सीट के। और इसमें भी क्या था कि हमें जो रैंप होता है ना वो क्लियरली विजिबल था, बट जो बंदे पीछे नाच रहे थे स्टेज वगैरह पे वो हमें नहीं दिख रहे थे, और वो हमें देखने भी नहीं थे भाई, हमें तो दिलजीत दोसांझ को ही देखना था जो कि वो दिख ही रहा था। थोड़ी सी हमें बैक दिख रही थी उसकी, जब वो टर्न हो रहा था हमारी साइड, बट वो हमारे साइड आ भी रहा था,
वो हमारे साइड आ भी रहा था और हम क्लोजली उसको देख पा रहे थे। देख लिया हाँ। तो बस भाई अब आराम किया जाएगा, मेरे को तो काफी नींद आ रही है, तो मैं तो पढ़ के बस सोने वाला हूँ। और बस यार करते हैं हम इसी के साथ इस ब्लॉग की समाप्ति। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स में बताना कि आपको ये दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट के क्लिप्स कैसे लगे। यस, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।